Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates. Hey guys, Dr. Devendra Rathore here. Welcome to Modern Health and Nutrition. और आज हम बात करते हैं bronchitis के बारे में और bronchitis के types के बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहली चीज़ bronchitis होता क्या है? Bronchitis एक तरह से देखें तो जो हमारी bronchial tubes रहती है, जो bronchials रहते हैं, जो कि हम जो सांस लेते हैं वो एयर को लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है. उसकी लाइनिंग में अगर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है उस वाली कंडीशन को ब्रोंकाइटिस बोलते हैं. इसके दो टाइप होते हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. एक्यूट ब्रोंकाइटिस के मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जब देखे जाते हैं जब उन्हें कोई फ्लू होता है, एलर्जी होती है या फिर कोई किसी रीज़न से जे या तो फिर उनको अदर कोई रीज़न होता है जिसके कोई एलर्जेंस के संपर्क में आते हैं तब एक्यूट ब्रोंकाइटिस देखा जाता है. एक्यूट ब्रोंकाइटिस का जो कोर्स होता है बहुत कम टाइम के लिए होता है. अगर आपने मेडिकेशन ले ली तो आप उसमें सिम्टम्स जो होते हैं उसमें काफ़ी जल्दी आपको रिलीफ मिल जाता है. इसके सिम्टम्स के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बार बार अगर आपको ब्रोंकाइटिस हो रहा है, ब्रोंकाइटिस जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, कफिंग हो रही है, स्पुटम निकल रहा है, तो उस वाली कंडीशन में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की मेन कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि वो लीड टू COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ की तरफ लीड कर जाता है, जिसके काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल और ये सब चीज़ें अफेक्ट होते हैं उसके अंदर, पर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साथ साथ अगर हम बात करें इसके कारण के बारे में तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का मेन रीज़न अगर देखें तो सबसे पहला मेन रीज़न होता है स्मोकिंग. अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या फिर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर आपके जोड़ीदार या साथी लोग आपकी पैसिव स्मोकिंग करते हैं या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है तो वो भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को लीड कर सकता है. नेक्स्ट थिंग इरिटेंट्स. अगर आपकी जॉब ऐसी जगह पर है जैसे कॉल माइंस है ना, यहाँ जहाँ पर केमिकल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि शेफ़ लोग होते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मसालों का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर भी ये देखा जाता है कि वो लोग भी क्रॉनिक टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस जैसे सिम्टम्स लेकर आते हैं. अब इसके ओवरऑल सिम्टम्स के बारे में अगर हम देखें तो मेन सिम्टम इसका कफ़ होता है. कफ़ आना, इरिटेशन होना, जलन होना गले में, काफ़ी ज़्यादा स्पुटम आना, ठीक है, फीवर अगर एक्यूट कंडीशन है तो फीवर हो गया, या फीवर इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन अगर होती है अगर ब्रोंकाइटिस के साथ तो क्रॉनिक के साथ फीवर देखने को नहीं मिलता. लेकिन ऑब्वियसली एक्यूट ब्रोंकाइटिस अगर उसका कारण अगर फ्लू है या फिर कोई ऐसा रीज़न है, वायरल रीज़न है, तो ऑब्वियसली हमें फ्लू लाइक ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है जो कारण अगर कॉजेज और सिम्टम्स के बारे में हमने बताए हैं. मेन सिम्टम्स यही होते हैं ब्रोंकाइटिस के. और अगर हम इसके आगे के बारे में हम बात करते हैं कि क्या ब्रोंकाइटिस का जो ट्रीटमेंट रहता है, क्या जनरल मैनेजमेंट होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं. तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस है तो आपको सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फ्लूड अपनी डाइट में यूज़ करना है. अगर हम देखें तो जैसे जो भी अगर हम डाइट ले रहे हैं उसके साथ साथ हमें जो फूड रहता है, विटामिन सी रिच फ्रूट एंड जो रहता है सिट्रस फ्रूट रहते हैं, ये अगर आप लेते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस में तो जो फ्लू के सिम्टम्स को वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कम करता है. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ऑब्वियसली जो हमारा मेंटेनिंग कॉज है, सबसे पहली चीज़ स्मोकिंग एंड स्ट्रेस, ऑब्वियसली दीज आर द मेंटेनिंग कॉज, तो हमें इसको हटाना है. अगर पॉल्यूशन रीज़न है तो पॉल्यूशन के लिए आप है ना मास्क वगैरह पहन के रखें, ठीक है. तो दीज आर द सम जनरल मैनेजमेंट जो कि आपके ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियल्स को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा. अब हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं. हाँ, तो अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में. ऑब्वियसली कॉजेज एंड सिम्टम्स पर काफ़ी डिपेंड करती है. जैसे सिम्टम्स अगर देखें तो वीजिंग होना, कफ होना, इन्फ्लामेशन, फीवर एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके मेडिकेशंस जो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं. तो सबसे पहला सिम्टम्स अगर देखें और सबसे पहली अगर होम्योपैथिक मेडिसिन देखें तो वो इफेक्टिव मेडिसिन होती है हमारी ब्रायोनिया में ड्राइनेस वाला. अगर ड्राई ब्रोंकाइटिस है तो आपको ब्रायोनिया इफेक्ट ब्रायोनिया काफ़ी अच्छी मेडिकेशन होती है. एंटीमोनियम टार्ट एंड अगर सल्फर देखें, नेट्रम्यूट देखें, पल्सेटिला देखें, कॉस्टिकम देखें, कैल्केरिया काप देखें, तो बहुत सारी मेडिकेशन होती हैं जो कि ब्रोंकाइटिस में हेल्प करती है. अगर आपको ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड अगर आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपना कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हो. और साथ ही साथ इसके कुछ जनरल मैनेजमेंट के बारे में हम बात करते हैं कि अगर आपको ब्रोंकाइटिस है तो आप क्या करें. ऑब्वियसली वार्म
आप वाटर का गार्गल्स आप करें, जिसकी वजह से आपका जो ब्रोंकियल्स रहता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रहेगा, वो सूथ्स रहेगा, मतलब सूदिंग रहेगा, वहाँ पर आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस, अगर एक्यूट कंडीशन है तो इन्फेक्शन जो रहेगा वो लीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ब्रोंकाइटिस का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, और मतलब एक सेम कंडीशन होती है URTI, और जो हम बोलते हैं सेम कंडीशन और सेम टाइप्स ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है एक्यूट और क्रॉनिक बोथ, लेकिन अगर आप इसको सही टाइम पर डायग्नोस कर लें, अगर आपको रिकरेंट होता है, मतलब अगर कुछ कंडीशन देखी जाती है एक्यूट ब्रोंकाइटिस में भी, कुछ लोगों को साल भर में 2-4-5 बार होता रहता है, तो उस वाली कंडीशन में भी आप होम्योपैथिक मेडिसिंस की कुछ एक दवाइयां रहती हैं जिन्हें आप कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू ब्रोंकाइटिस और अदर हेल्थ रिलेटेड कंसर्न, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।